हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल हेडेक के बारे में। अब ये स्पाइनल हेडेक होता क्या है, ये होता क्यों है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इसको कम करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल हेडेक होता क्या है, तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपके लंबर को पंचर करना पड़ा हो या फिर आपको स्पाइनल टैप करना हो, जैसे कि अगर आपका कोई सर्जरी हो रहा है तो आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया देना पड़ा हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपका स्पाइनल फ्लूड बाहर निकालना हो तो लंबर पंचर करना पड़ा हो, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ईपीड्यूरल ब्लॉक देना हो, तो इन सब प्रोसीजर के बाद आपके सर में कुछ कुछ पेशेंट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। तो इस दर्द को हम लोग स्पाइनल हेडेक कहते हैं। कभी कभी तो ये सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे क्या हो गया है, कभी मैं ठीक भी हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। अगर डिलीवरी हुई है तो मदर को लगता है कि क्या है, मैं अपने बच्चे का ध्यान तक नहीं रख पा रही हूँ, ये मुझे क्या हो गया है। तो ये सर दर्द होता क्यों है, तो जब भी थोड़ा सा अगर हम लोग अपने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है वो 3 लेयर की एक कवरिंग से घिरा हुआ होता है। इन कवरिंग के बीच में कुछ फ्लूड्स पाए जाते हैं। इस फ्लूड को हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं। ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इसके लिए कुशन की तरह काम करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और हमारा जो ब्रेन होता है इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड में स्कल के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो जब भी कोई स्पाइनल टैप किया जाता है या फिर स्पाइनल में कुछ प्रोसीजर किया जाता है तो ये जो स्पेस होता है फ्लूड फील्ड स्पेस होता है, इसी में हम वो सारा प्रोसीजर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नेडल हम डालते हैं छोटा सा ही सही एक होल हो जाता है, जिससे जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो आपका है वो लीक होने लगता है, उसको लीकिंग का एक रास्ता मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड आपका लीक होता है तो हेड से यहाँ से वो नीचे डाउन हो जाता है, तो आपका जो ब्रेन होता है ब्रेन को प्रॉपर स्पाइनल फ्लूड नहीं मिल पाता ताकि वो फ्लोट कर सके। तो जब वो फ्लोट नहीं कर पाता है तो वो स्कल पे आके नीचे आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे निचले हिस्से में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और ये आपको हेडेक कॉज करता है। हेडेक के अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं, नेक में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को ब्लर विजन होता है, फोटोफेविया होने लगता है, कुछ लोग तो बिल्कुल चल भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्पाइनल की वजह से, स्पाइनल टैप, स्पाइनल लीकिंग, मेन जो कॉज होता है वो लीकिंग होता है। कभी कभी ये जो सर दर्द है बिना लीकिंग के भी हो सकता है, कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो सर दर्द को कॉज कर सकते हैं, जैसे हेडेक। अगर कोई पेशेंट शुरू से ही क्रोनिक हेडेक का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है कि स्पाइनल हेडेक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी से पहले आपको फ्लूड जो वॉल्यूम दिया गया है वो कम दिया गया है, या आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर आपको वॉल्यूम कम दिया गया है, फ्लूड की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट में डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर जो भी हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं स्पाइनल टैप का, लंबर पंचर का या फिर इपीड्योरल ब्लॉक देने का, तो अगर उसमें जो है मल्टीपल हमें पंचर करना पड़ा हो तो मल्टीपल पंचर से भी क्या होता है कि बहुत सारे वे मिल जाते हैं सीएसएफ को लीक करने का। उसके अलावा अगर वाइड बोर मतलब मोटी छेद वाली निडल का यूज किया गया हो अगर प्रोसीजर में, तो ऐसे में भी स्पाइनल हेडेक के चांसेस होते हैं। अब ये जो लीकिंग होती है, लीकिंग में जो है ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि कितनी लीकिंग के बाद किसको कितना सर दर्द शुरू होगा। जितनी ज़्यादा लीकिंग होती है उतना जल्दी ही स्पाइनल हेडेक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अगर किसी में छोटा सा थोड़ी सी भी लीकिंग की वजह से हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा भी लीकिंग होती है तो स्पाइनल हेडेक कम होता है। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो है अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो मदर में है डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि फीमेल पहले ही ऑलरेडी लेबर में रहती है या फिर पहले से ही डिहाइड्रेटेड रहती है, कुछ खा पी नहीं रही होती है। उसके अलावा अगर सर्जरी के बाद उसको पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, ब्लड का लॉस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है,
तो ये सब जो फैक्टर हैं वो कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर सर्जरी के बाद हमें डायूरेसिस का यूज करना पड़ा हो, हमने बहुत अच्छा वॉल्यूम लोड ना दिया हो, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ये सारे सिम्टम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्पाइनल हेडेक की सबसे खास बात ये है कि जब पेशेंट लेट जाता है, लेटने की पोजीशन में क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी ख़राब बात यह है कि जैसे ही पेशेंट उठ के बैठता है वो सारे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। अब पेशेंट के लेट के उठ के बैठने के जो सिम्टम आने का टाइम होता है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी में 2-4 मिनट में ही सिम्टम्स वापस आ जाते हैं, किसी में क्या होता है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद सिम्टम वापस आते हैं। अब इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो तो यही है कि जब सीएसएफ फ्लूड का फॉर्मेशन होगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा, हमारे ब्रेन को अच्छा फ्लूड मिलेगा फ्लोट करने के लिए, तभी ये ठीक होगा। लेकिन उसके आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम लाई डाउन पोजीशन में रहना है और लेग एंड को रेज करके रखना है, अपने पैर को ऊंचा करके रखना है, सर को नीचे करके रखना है, ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में फ्लूड मिल सके। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना है, लिक्विड की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अगर कोई नहीं ले पाता है तो फिर डॉक्टर को ऐसे कंडीशन में आईवी फ्लूड देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप कैफीन बेवरेज ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कैफीन बेवरेज जैसे टी एंड कॉफ़ी होता है वो सीएसएफ फ्लूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है ये आपको करना है, जो भी ट्रीटमेंट होता है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटी एमेटिक देते हैं डॉक्टर, सर में दर्द है तो डॉक्टर एनाल्जेसिक देते हैं, कभी कभी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बेड रेस्ट पे रहना है, लेग एंड को रेज करके रखना है। बहुत सीवियर केस में ही हमें कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लड पैच। ब्लड पैच में क्या होता है कि आपके हाथ से ब्लड को निकाल के उस एरिया में जहाँ से प्रोसीजर किया गया है वहाँ जाके इंजर्ट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है ब्लड जाके क्लॉट हो जाता है आसपास के एरिया में, तो जो फ्लूड लीकिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे फ्लूड का फॉर्मेशन होता है और आपके सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं। 90% केसेज में जो स्पाइनल हेडेक है वो अपने आप ही 3 से 4 दिन में सबसाइड हो जाता है। कुछ लोगों में ये 10 से 15 दिन लेता है जाने में, बाकी टाइम में ये धीरे धीरे करके अपने आप ही सही होता है। आपको बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, लेट के ज़्यादा रहना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है और कैफीन बेवरेज लेना है। तो ये हमने बात किया कि स्पाइनल हेडेक होता क्या है, क्यों होता है और इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।